प्रजापति कुमार समाज द्वारा बलदेव नगर स्थित हवाई भवन में कार्यक्रम सावन महोत्सव रखा, जिसमें महिलाओं ने बरसात का रिश्ता लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं लहरिया परिधान में महिलाओं नृत्य किया। समाज में एकता रखने के लिए तथा शिक्षा के प्रतिबिंब जागरूकता के लिए महिलाओं ने आह्वान किया। लक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर खूब सारे गेम्स खेले, इंजॉय किया, सभी लेडीज ने डांस किया और आगे से मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग और भी ऐसे फंक्शंस रखें ताकि हमारी लेडीज थोड़ा आगे बढ़े, आगे जाके जागरूक होए वो और अच्छे अच्छे फंक्शंस करती रहें। आर्य समाज मंदिर महर्षि पाणिनी नगर जोधपुर का रजत जयंती एवं महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती महोत्सव आर्य सम्मेलन व 200 कुंडीय यज्ञ के साथ हुआ संपन्न। गोकुल जी की प्याव महर्षि पाणिनी नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज मंदिर महर्षि पाणिनी नगर महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास एवं समस्त आर्य समाज जोधपुर व आर्य वीर दल जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आर्य समाज मंदिर महर्षि पाणिनी नगर जोधपुर का रजत जयंती एवं महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी ओमानंद सरस्वती, स्वामी चेतनानंद, आचार्य वरुण देव, डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, संयोजक आर्य जय सिंह गहलोत व भजनोपदेशक पंडित दिनेश पथिक के विद्वत सानिध्य में रविवार हरियाली अमावस्या को क्षेत्र के दशहरा मैदान में 100x250 फीट के भव्य पंडाल में आर्य सम्मेलन, 200 कुंडीय महायज्ञ, वृष्टि यज्ञ, पूर्णाहुति, समापन सत्र, भजन प्रवचन सम्मान व ऋषि लंगर के साथ सम्पन्न हुआ। ब्रह्मा आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा के द्वारा यज्ञ सम्पन्न करवाया गया। प्रजापति कुमार समाज द्वारा बलदेव नगर स्थित हवाई भवन में कार्यक्रम सावन महोत्सव रखा, जिसमें महिलाओं ने बरसात का रिश्ता लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं लहरिया परिधान में महिलाओं नृत्य किया। समाज में एकता रखने के लिए तथा शिक्षा के प्रतिबिंब जागरूकता के लिए महिलाओं ने आह्वान किया। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र पर श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के अवसर पर रविवार 4 अगस्त 2024 को एक पेड़मा के नाम अभियान के अंतर्गत बिल्व के पौधों का रोपण किया। स्वस्थ वित्त विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र दुबे, मौलिक सिद्धांत विभाग के डॉक्टर रामेश्वर डूडी एवं चिकित्सालय के अन्य अधिकारियों के साथ नर्सिंग स्टाफ सुनील विश्नोई, कवराराम, सीमा आदि ने भी पौधारोपण किया। हर्बल गार्डन प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पूर्विया ने बताया कि पुष्य नक्षत्र के अवसर पर योग साधना केंद्र में 2 खजूर के पौधों का भी रोपण किया गया। गेट नंबर 2 के बाहर 100 कनेर एवं 24 शीरीष के पौधों का रोपण किया गया। एक पौधा माँ के नाम के तहत चल रहे पौधारोपण में शहर के सिंधी कॉलोनी गुरुद्वारा के गुरुद्वारे के परिसर में सिंधी कॉलोनी मोहल्ले वासियों ने 100 पौधे लगाकर उनकी देखरेख का जमा लिया। जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक मोहल्ले वासियों ने शपथ लेकर इन पौधों को पूर्ण रूप से परिपक्व करने की शपथ ली। हम इसको प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के साथ भी जोड़ते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, माँ को समर्पित भी ये पेड़ होगा हमारा गुरु महाराज के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य। हाँ, तो हम उसी को आगे लेते लेके जाते हुए तो हम आज हरियाली दिवस जो हरियाली बोलते हैं उसको भी हम लेके चल रहे हैं। इस वास्ते हमने आज का दिन उपराले के लिए रखा है। ठीक है, वाहेगुरु जी इसमें सफलता बख्शे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर शहर के दौरे पर, उन्होंने आमजन से मुलाकात कर अपने शहर वासियों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि आपका हर कार्य पूर्ण करवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र में स्थित आयु कामेश्वर महादेव का श्रावण मास के पावन पुष्य नक्षत्र के अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया। आयुर्वेद में चिकित्सा क्रम के अंतर्गत देवव्यपाश्रय, युक्तव्यपाश्रय, सत्वावजय आदि चिकित्सा क्रमों का विधान मिलता है, जिसमें मंत्र, औषधि, मणि आदि द्वारा चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति, कुलसचिव प्रो गोविंद सहाय शुक्ल, संकाय सदस्यों सहित भी
IIMS में अध्ययनरत छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार सहित अभिषेक किया गया। उते नंदो का अदसंग दसंग दार्द सदको नडया तिना नहो सुनी लगे वाय सर्दाक्षाय बीडुगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।